अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमर और आज मैं आपको जो है ना वो शेड की कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये अभी मैं शेड की जो है ना कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे पास सीमा डेयरी फार्म गुजरावाला में, तो मैं उधर जो है ना देखने आया था। मैंने कहा चलो वीडियो बनवा के जो है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि पीछे जो है ना शेड का काम स्टार्ट है। ये हमारे पास जो है ना वो 400 फीट इसकी लेंथ है शेड की और जो है ना 100 फीट इसकी जो है ना वो विड्थ है। सेंटर से इसकी जो ऊंचाई है, ये आप जो गार्डर आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी 35 फीट जो है ना वो साइडों से हाइट है, फ्रंट से मिड से हाइट है इसकी, और साइडों से जो है ना इसकी हाइट वो कहीं 14, क्योंकि वो फर्श का लेवल है वो 2 फुट का जो है ना वो हमने स्लोप दी हुई है, वो 14 से 13 की जो है ना वो एवरेज जो है ना वो साइडों से इसकी हाइट है शेड की। तो ये जो है ना एक नया उसका ये डिज़ाइन है शेड का। पहले जो है ना वो शेड सेंटर से बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं दी जाती थी उनको, सेंटर वाली हाइट से जो साइडों की हाइट है, लेकिन ये जो नया डिज़ाइन है ना इसमें वेंटिलेशन बेहतर होती है। तो अब जो जितने भी नए शेड बन रहे हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादातर वो इसी डिज़ाइन से बन रहे हैं, जिनकी सेंटर हाइट जो है ना वो 30 से 35 से 40 रखी जाती है और साइडों पे जो हाइट है ना उसकी वो 13 से 14 या 15 तक रखी जाती है। तो ये हमारे पास जो है ना वो इंशाल्लाह सेमी कंट्रोल शेड तैयार होगा। इसके अलावा इससे पहले जो हमारे पास शेड है वो एक सेमी कंट्रोल शेड है और 3 हमारे पास जो है ना वो कंट्रोल शेड है। और ये हमने जो है ना सेमी कंट्रोल शेड हम इसलिए बना रहे हैं कि ताकि हमें सर्दियों में जो है ना हम अपने जानवरों को वो ओपन शेड में सेमी कंट्रोल शेड में ला सकें, ताकि हमारा जो है ना वो बिजली की कॉस्ट कम हो सके और जो है ना हमारे जानवर जो है ना वो सन बाथिंग ले सकें, और दूसरा जो हमारे जो है ना वो अखराजात शेड की जो है ना वो कम हो सकें, जो कि कंट्रोल शेड में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेमी कंट्रोल शेड। अभी मैं आपको जो है ना वो मेरे बैक साइड पे जो है ना वो कंट्रोल शेड भी है, मैं आपको उसका व्यू भी करवाता हूँ। इंशाल्लाह कंट्रोल शेड पे मैं एक और तफसीली वीडियो बनाऊंगा। अभी जो है ना वो आपसे मैं ये चीज़ें आप देखें और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें और वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। इंशाल्लाह जो है ना मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना वो मैक्सिमम पता चले कि डेयरी फार्म जो मॉडर्न डेयरी फार्म है उसमें किस तरह का जो है ना वो प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं, जिससे जो है ना वो हम फार्म को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और ज़्यादा उसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं।